खेती किसानी के लिए मशहूर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अतिवृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 40 गांव तहसील के शिंडी गांव में कपास के खेतों में पानी भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन में भी इतनी हालात खराब नहीं हुई थी जितनी इस साल अतिवृष्टि के कारण हुई है। वैसे देखा जाए तो किसान कितनी उम्मीद से खेती करता है और इस तरह उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ तबाह हो जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी चिंता का विषय है। जलगांव के किसानों का कहना है कि पहले भारी बारिश के कारण प्याज का नुकसान हुआ, उसकी नमी से 50-60 फीसदी फसल सड़ गई और अब कपास की फसल के साथ ऐसा हो रहा है और वो खराब हो रही है। किसानों की माने तो उनके मुताबिक 50-70% तक का नुकसान हो चुका है। ज़्यादा दिन पानी भरे रहने से पौधे खराब हो रहे हैं और फली सड़ती जा रही है। सितंबर महीने की बारिश ने तो सारी उम्मीदें ही तोड़ के रख दी। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि कपास सहित जितनी भी फसलों को अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई के लिए आर्थिक मदद दी जाए। किसानों का कहना है कि ज़्यादा दिन से खेतों में पानी भरे रहने की वजह से दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है। इतने दिनों से किसान परेशानी में है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी सर्वे नहीं हुआ है, मुआवजे की घोषणा तक नहीं हुई है। ऐसे में इस नुकसान के बाद कैसे खेती होगी समझ में नहीं आ रहा। सरकार जल्द से नुकसान का आकलन करवाकर मुआवजा दे, वरना किसान आगे खेती कैसे कर पाएंगे। कपास एक नकदी फसल है, इसे सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के हालात ऐसे हैं कि यहाँ के कपास किसान अपनी परेशानियों की वजह से चर्चा में रहते हैं। देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि शामिल हैं। देश भर में कपास की सर्वाधिक खेती महाराष्ट्र में ही होती है। राज्य में 33 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में कपास की फसल लगाई जाती है। इस वक्त कपास का MSP क्वालिटी के हिसाब से 5726 और 6025 रुपये है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।